ये जो खेल है ना, तुम्हारे समझ से बहुत ऊपर है। गौतम, वेलकम टू इंडिया टीवी। पिछली बार जो पिछली आपकी फिल्म आई थी उसमें आप एक आर्मी अफसर के रोल में थे और अब आप पुलिस वाले बन रहे हैं नकाब वेब सीरीज में, तो इस सीरीज में किससे नकाब हटाएंगे आप एक पुलिस वाले के तौर पे? क्या पता है, मुझ पे ही नकाब हुई, मैं हटाने वाला हूँ, कुछ पता नहीं। नकाब एक्चुअली एक ऐसी डिफिकल्ट चीज है हटाने के लिए किसी के ऊपर से भी, क्योंकि एक्चुअली जो इंसान दिखाता है, जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे से बड़ी रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, मगर क्या पता हम में से कोई एक ऐसा इंसान हो जो हम दोनों एक्चुअली बात कर रहे हैं वो वैसे ना हो, तो अब हमें पहले कॉन्वर्सेशन में समझ नहीं आएगा कि हम लोग कैसे हैं। तो रियल लाइफ में भी ऐसा ही कुछ नकाब किसी ना किसी ने उड़ा होता है। तो ये पूरी सीरीज ही, पूरे कैरेक्टर्स ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंड ट्विस्टेड है। हमें लगता है कि यार बेसिक अगर मैं थोड़ा सा बताऊं इस सीरीज के बारे में, एक डेथ के ऊपर, एक डेथ होती है एक एक्ट्रेस की एक सेट पे, और वहां से कंफ्यूजन शुरू होती है कि ये एक्सीडेंट है, मर्डर है या सुसाइड है। वहां पे मुझे लीड इन्वेस्टिगेटर की तरह अपॉइंट किया जाता है। मैं वहां जाता हूँ, जो शुरू में मैं देखता हूँ लोगों के, उसके घर वाले, फ्रेंड्स, तो सब बोल रहे हैं, कोई बोलता है एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई बोलता है सुसाइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट धीरे धीरे करके जब मिस्ट्री अनरैवल होती है और लोगों के मुखौटे उतरते हैं, तब समझ में आता है कि नहीं यार, ये तो कुछ और ही है, जैसे दिख रहे थे लोग ये वैसा नहीं है, तो कुछ और ही तरीके से लोग सामने आए। तो वहां पे आपकी कहानी के प्लॉट्स शुरू होते हैं। तो ये जैसे आपके क्वेश्चन पे मैंने बहुत घुमा दिया, मगर सिंपल सा आंसर दूं तो ये सबके चेहरे पे यहाँ पे एक नकाब, और वो नकाब ऑडियंस जब देखेंगे तब समझ में आएगा। हो सकता है मेरी चेहरे पे एक नकाब हो सकता है कि बाकी जो दो को एक्टर्स हैं उनके चेहरे पे नकाब हो सकता है, बाकी जो सीरीज में लोग हैं उनके चेहरे पे नकाब हो। तो इट्स ऑल अबाउट कि सबके चेहरे के ऊपर एक चेहरा जरूर होता है। हो सकता है जो वो चेहरा दिखा रहे हैं वही उसका उनका असली चेहरा होता है, और कभी कभी ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा होता है कि आप जब वो चेहरा उतारते हैं, मतलब जो मुखौटा उतारते हैं, तो अंदर का इंसान, वो असली इंसान बाहर निकल के आता है। तो इस सीरीज उस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड और ट्विस्टेड है। जी, इस सीरीज की बात करें तो कैसे आपको ये ऑफर हुई और क्या सोचकर आपने इसे एक्सेप्ट किया, और इसमें ऐसा क्या खास है जो दर्शक बहुत पसंद करेंगे? तो अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए कि क्यों ये हम ये सीरीज देखें, तो क्या जवाब होगा आपका? मेरे लिए देखो यार, कमाल कर रहे हो, कैसा सवाल नहीं, कंटेंट है बट एक्चुअली मैं समझ रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। मैं देखिए, मैं ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसी सीरीज है जो हमेशा आपको वो एज ऑफ द सीट रखेगा, एकदम एकदम ही ऐसा रखेगा कि अगले मोमेंट क्या होने वाला प्रिडिक्ट नहीं कर पाए। कभी लगेगा कि यार जो दिख रहा है ओके यही होने वाला है, लगेगा नहीं यार अगर ये मर्डर है तो यही कातिल, सडनली ऐसा ट्विस्ट आएगा, कहेंगे यार ये तो सबसे सही इंसान है, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता कभी। और जिसपे आप सबसे पहले यकीन करके बैठे थे, नहीं यार ये तो मतलब भगवान का बंदा है, ये तो कभी गलत कर ही नहीं सकता, ये तो कभी गलत कर ही नहीं सकती, वही इंसान सबसे गलत निकल के बाहर आता। सो ऑडियंस के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज मिलेंगी, ऑडियंस के लिए एक ऐसा प्लॉट मिलेगा जो मोस्टली मैंने अभी के टाइम में इतना देखा नहीं है, रिसेंटली नहीं देखा, जो ट्विस्टेड हो बहुत ज्यादा, और कैमरा वर्क अच्छा है एंड डायरेक्शन अच्छा है, मतलब काफी चीजें हैं देखने के लिए। तो आई जस्ट होप उनको पसंद आए, और सबसे ज्यादा उनको एक स्टोरी लाइन जरूर पसंद आए, आई जस्ट होप दैट। जी, ट्रेलर बहुत अच्छा है, और मल्लिका शेरावत बहुत टाइम बाद इस सीरीज से वापसी कर रही हैं, और ईशा गुप्ता भी है इसमें, तो ओवरऑल जो कास्ट है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत एक्साइटमेंट भी है इस सीरीज के लिए। तो बाकी कास्ट के साथ आपको काम करने का कैसा रहा अनुभव आपका, और कैसा लगा आपको? दोनों बहुत ही स्वीट है लड़कियां, मतलब कोई किसी का कोई टैंट्रम नहीं है, किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे से आके मिलती है, वो होता ना एक्टर्स में ईगो इशू होता है, यार मैंने बहुत काम किया है, अच्छा उसको आने तो हाई बोलने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसका आई टू आई मिलता था वो आगे से जाता था, मिलता था, गप्पे मारता था, सीन्स डिस्कस करते थे, रिहर्स करते थे और शूट करते थे, मतलब बहुत कम। एक्चुअली आई एम हैप्पी कि ऐसे सेट का पार्ट हुआ,
बहुत कम चीजें होती हैं लाइफ में जहां पुंगे ना हो, कोई ना कोई टेढ़ा जरूर मिलता है, या कोई एक्टर टेढ़ा मिल जाएगा, या कभी कोई प्रोड्यूसर टेढ़ा मिल जाएगा, या डायरेक्टर टेढ़ा मिल जाएगा, या कोई प्रोडक्शन वाला टेढ़ा मिल जाएगा, या कोई मतलब कोई प्लेटफॉर्म की तरफ से या कोई फाइनेंशियर की तरफ से टेढ़ा मिल जाएगा। मगर ऐसी चीज मुझे शूटिंग के दौरान कुछ नहीं दिखी, मतलब शूटिंग के दौरान ऐसा कोई पंगा नहीं हुआ, मतलब किसी का आपस में अपनी बात करो, मेरा किसी के साथ या किसी का मेरे साथ, तो बहुत स्मूथ राइड रहा। डायरेक्टर के साथ काम करके मजा आया, जूम स्टूडियोज के साथ काम करके मजा आया, जो अपने हमारे लाइन प्रोड्यूसर हैं चेरी पिक्स, उनके साथ काम करके बहुत मजा आया, बहुत ही अच्छे सीधे लोग हैं। सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट लाइक दैट। कल जो है गणेश चतुर्थी पे एक आपका एक गाना आया, 2 साल का लॉकडाउन था उसके बाद आप पंडाल में और मंच में गए, इतना प्यारा गाना है और आपको देखकर इतना अच्छा लगा, आपको कैसा रहा वो एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत टाइम बाद ऐसा मंच और पंडाल आपको दिखा होगा। डिवाइन, मतलब एक कहते हैं ना वो फीलिंग, सी आप जब गाना देखेंगे, हमने ये गाना 8 घंटे नहीं कम 7 घंटे में शूट किया, पूरा गाना 7 घंटे में शूट किया, मगर इतनी खुशी थी गाना शूट करते हुए, मतलब इतना अंदर से प्रसन्नता थी कि वो चेहरे पे आपको नजर आ रही हो जब मैं कर रहा था वो एनर्जी लेवल, क्योंकि वो गाना ही इतना अपने आप में अच्छा है कि वो अंदर जब मैंने पहली बार सुना था, और मैंने ये अभी किया है 5 दिन पहले शूट, मतलब ऐसा नहीं कि 1 महीने 2 महीने पहले शूट करके अभी आ रहा, मतलब गाना आया मेरे पास, जावेद अली ने गाया बहुत अच्छा है, संजीव दर्शन ने म्यूजिक अच्छा दिया है, समीर अंजान के लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छे हैं, संजय अग्रवाल, उत्सव अग्रवाल, तो मजा क्या था कि जैसी गाना मेरे पास आया, पहले तो मुझे लग रहा था यार 5 दिन में कहाँ रिलीज करोगे, क्या शूट करेंगे, छोड़ो ना काम है, गाना इन्होंने भेजा, मैंने कहा एक बार सुन तो लो, मैंने सुना, मैंने कहा भाई ये तो करना है, और फिर ऊपर से बप्पा का भक्त हूँ, मतलब 12 साल से हमारे यहाँ पे गणपति आते हैं, तो मैंने कहा यार ये तो बप्पा के लिए करना है, कुछ और करूँ ना करूँ, पहले उन्होंने कहा कि एक डिवोशनल गाना है, मैंने कहा डिवोशनल गाना 5 दिन में, फिर जब लगा कि बप्पा का गाना है, मैंने कहा चल एक्साइटेड, मैंने कहा भेजो, जब भेजा तो जब पूरा सुना तो मैंने कहा भाई इसको तो मना कर ही नहीं सकते, और जिस दिन आया उसके अगले दिन ही मेरा ख्याल शूट कर लिया हम, तो होता ना कई चीजों का कनेक्शन होता है ऑटोमेटिकली कि ये होनी है, मतलब ये कब कहाँ से कोई लोग आए जिनको मैं इतना इनडायरेक्टली जानता हूँ, वो आए पहुंचे एक दिन में काम करके निकल भी गए और आ भी गए, मतलब ये मतलब ये बहुत कम होता है इंडस्ट्री में हमारी कि आप शूट करो और बाहर आ जाए, तो ये वो वैसा ही था, ये शूट किया और बाहर आ गया और ऑटोमेटिकली सारी चीजें साथ में आ रही, जो अच्छा है कचूट आते रहे। और धरती की सबसे खूबसूरत जगह कश्मीर पर आपने अपनी वाइफ के साथ जो है गाना शूट किया, वो गाना भी आया, बहुत ही प्यारा गाना है, उसके बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे। जी पंखुरी के साथ शादी के बाद, मतलब प्रोफेशनली पहले हमने कुछ एड्स किए हैं बीच में, मतलब मगर वो सोशल मीडिया वाले चीजें थी, बट प्रोफेशनली ये पहली बार हम लोग शादी के बाद काम कर रहे हैं। एक तो बहुत एक्साइटमेंट था कि दोनों साथ में करेंगे काम, दूसरा मुझे वो एक्टर बहुत पसंद है, एज एन एक्टर मुझे पंखुड़ी बहुत पसंद है, तीसरा जब मेरे पास गाना आया, गाना मुझे अच्छा लगा, बट मुझे कॉन्सेप्ट उससे ज्यादा प्यारा लगा कि चल यार कुछ एक्टिंग है, कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कुछ हो रहा है वीडियो में, ये नहीं कि सिर्फ रोमांस है तो बस कश्मीर है, वादियां दिख रही, गाना चल रहा है, आई टू आई हो रहा है, गाना खत्म, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ड्रिवन था ये मामला, और कश्मीर तो मेरी फेवरेट जगह है, एक केरला एक कश्मीर है, तो दोनों के मेरा फेवरेट है सो या तो बस अच्छा रहा यार, कश्मीर का शूटिंग, गाना, वाइफ के साथ, फिर तो हमने 5-6 दिन और रहे थे हम लोग वहाँ पे, घूमे थे, सोनमार्ग वगैरह गए थे, सो बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा था। थैंक यू गौतम हमसे बात करने की। लास्ट में आपसे पूछना चाहेंगे कि जो नकाब आपकी सीरीज आ रही है, अगर आपसे पूछा जाए कि सोशल मीडिया में ऐसी कौन सी चीज है जहाँ पे इंसान को नकाब डाल के रहना चाहिए, तो वो क्या होगा? नकाब, वो कमेंट्स यार, जब आपकी ट्रोलिंग शुरू होती है ना, नकाब पहन लो कि आपने कुछ देखा ही नहीं, आप जब पढ़ते हो तो दिमाग खराब होता है कभी कभी, तब लगता नहीं यार जवाब दूं क्या, तो कहते हैं नहीं जवाब दोगे तो फंसोगे, ये ट्रैप है, फिर इतने पढ़ेंगे कि पीछे पड़ जाएंगे। चलो मगर ये तो मजाक की बात है, मेरे साथ कम हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, मगर बहुत कम हुआ है, तो आई जस्ट होप कम ही रहे और अच्छा रहे, सो बट दैट्स द फ्यूचर, सोशल मीडिया इज द फ्यूचर, एवरीथिंग वाज ऑन द फोन नाउ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब पिक्चरें यहीं दिख जाती हैं, काम यही हो जाते हैं, जब भी बाहर करके आओ तो यही दिखती हैं, तो भाई ये तो किसको पता था कि इतनी जल्दी कैप्चर कर लेगा मार्केट, लगा था आएगा मगर अपने हिसाब से आएगा, यहाँ तो मतलब 2-3 साल में ही सब आ गया बाहर।
और इवन ओटीटी का भी यही रहा कि लॉकडाउन के बाद से ओटीटी बहुत बढ़ाया और इसकी वजह से बहुत अच्छे अच्छे बहुत कंटेंट भी आ रहे हैं। बिल्कुल 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 तो हमसे बात करने के लिए उम्मीद करते हैं नकाब फैन को बहुत पसंद आए।